हेलो दोस्तों, हम लोग टेलर एंड लॉरेंट एक्सपेंशन के PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस AKTU में जो पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2018-19 में पेपर कोड RS301 है ना, पूछा गया है कि एक्सपेंड 1/Z²-3Z+2 इन द रीजन ये दे रखे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन FZ=, पहला काम क्या है कि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो 1/Z²-3Z+2 इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, Z-1, Z-2 ये फैक्टर हो गए। उसके बाद इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो देखिए 1/Z-1 - 1/Z-2 अगर LCM ले लें तो डिनोमिनेटर यही हो गया, इधर हुआ Z-1 - Z+2, तो Z कैंसिल हो गया और आपका कितना आएगा, 1 आ जाएगा न्यूमरेटर। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, और चाहे आप A/Z-1 + B/Z-2 करके उसको हल करोगे तो यही निकलेगा, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू -1। ठीक है, रीजन क्या दे रखे हैं, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाइज करती है। ठीक है, तो मॉड ऑफ Z=1 एक सर्किल होता है 1 रेडियस का, और मॉड ऑफ Z=2 ये 2 रेडियस का एक सर्किल, तो 2 सर्किल हो गए। ए हो गया आपका मॉड ऑफ Z=1 1 रेडियस का सर्किल, और दूसरा वाला है बाहर वाला मॉड ऑफ Z=2 2 रेडियस का सर्किल, और ये मॉड ऑफ Z=1 रेडियस का सर्किल जिसका सेंटर क्या है, 0 0 ओरिजिन पर है ना, सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, तो रीजन किसके बीच में हो गया, इन दोनों सर्किल के बीच में, मॉड ऑफ Z=1 और मॉड ऑफ Z=2 इन दोनों सर्किल के बीच का रीजन हो गया है ना। तो और किसके अबाउट एक्सपेंशन करना है, 0 के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट एक्सपेंशन करना है। वो कैसे पता लगा, यहाँ से अगर ये मान लीजिए मॉड ऑफ Z+1 होता तो Z+1 की पावर में एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ अगर केवल Z है तो Z की पावर में मतलब ओरिजिन के अबाउट एक्सपेंशन करना है, वो बात यहाँ से क्लियर होती है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया FZ=, ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि इसमें जो क्वांटिटी बड़ी होती है, जेड और टू में जो बड़ा होगा उसको कॉमन लेंगे। तो जेड की वैल्यू देखिए, जेड हमेशा रीजन में लेंगे, तो जेड की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। जेड की वैल्यू ये देखिए, अंदर वाला सर्किल क्या है, मॉड ऑफ Z=1, अंदर वाला सर्किल है मॉड ऑफ Z=1, तो जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक, और 2 से छोटी है, 1 से बड़ी 2 से छोटी। तो जेड की वैल्यू जेड और टू में कौन बड़ा है, जेड और टू में कौन सा बड़ा है, ए जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो कौन सा बड़ा हुआ, 2 बड़ा हो गया, तो इसमें 2 कामन ले लेंगे, 2 कामन ले लिया, तो यहाँ पर 2 कामन -2 कामन ले लीजिए तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, 1 - Z/2, -2 कामन लिया तो 1 - Z/2 माइनस ये वाला लगा है। अब जेड और 1 में कौन सा बड़ा है, जेड 1 तो ये है और जेड इसके आगे है, तो जेड बड़ा है इसमें है ना, 1 रेडियस का ये सर्किल है, इस पर 1 है जेड की वैल्यू, ठीक है, मॉड ऑफ Z=1 है इस पर, और ये आपका जेड है, जेड इसके आगे है, तो जेड और 1 में कौन बड़ा है, जेड बड़ा है, जेड क्या है, 1 से आगे गया ना, तो जेड और 1 में कौन सा बड़ा हुआ, जेड, तो जेड कामन ले लो, जेड आपने कौन सा बड़ा हुआ इसमें, जेड है ना, हाँ, तो इस रीजन में कौन सा बड़ा था, जेड है ना, जेड की वैल्यू 1 से बड़ा है, तो जेड आपने कामन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1/Z है ना, जेड कामन ले लिया तो 1 - 1/Z। फिर क्या करेंगे, दिस इक्वल टू -1/2 और इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो 1 - Z/2 की होल पावर -1, ठीक है, -1/Z × इसको न्यूमरेटर में भेजो तो 1 - 1/Z की होल पावर -1, एक्सपेंशन कर लो तो ये हो गया -1/2, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + Z/2 + Z/2 होल स्क्वायर प्लस .. है ना, और ये हो जाएगा आपका -1/Z × 1/Z × 1 + 1/Z + 1/Z होल स्क्वायर प्लस 1/Z होल क्यूब प्लस .. ठीक है, दिस इक्वल टू -1/2, ब्रैकेट खोल दीजिए तो -1/2 -Z/4 माइनस का Z²/8 -Z³/16 16 -... ठीक है, फिर -1/Z
माइनस वन अपन जेड स्क्वायर माइनस वन अपन जेड क्यू माइनस वन अपन जेड की पावर फोर माइनस डॉट डॉट, ठीक है। बस ये एक्सपेंशन हो गया। अब बताइए टेलर एक्सपेंशन है कि लॉरेंट्स। अपान में अगर जेड के टर्म होंगे तो लॉरेंट एक्सपेंशन है, विच इज़ द रिक्वायर्ड लॉरेंट एक्सपेंशन, है ना। देखिए अपान में जेड के टर्म है ना, तो ये लॉरेंट एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। यही आंसर हो गया, ये लॉरेंट एक्सपेंशन, ठीक। थैंक यू।